नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाना छात्र नेताओं को भारी पड़ता दिख रहा है। राजधानी भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर धरने पर बैठे छात्र नेता रवि परमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अन्य छात्रों के साथ पुलिस ने मारपीट भी की। परमार की गिरफ्तारी के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर कानून व्यवस्था को श्रद्धांजलि दी। बुधवार दोपहर को मध्य प्रदेश एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश संयोजक रवि परमार के नेतृत्व में नर्सिंग और पैरामेडिकल के छात्र छात्राएं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान मंत्री सारंग के बंगले पर पहुंचकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। धरना शुरू होने के थोड़ी ही देर बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को खदेड़ खदेड़ कर बर्बरता पूर्वक पीटा गया। हालांकि इस दौरान एनएसयूआई नेता रवि परमार मेडिकल स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर अड़े रहे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने रवि परमार को बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया। रवि परमार को पुलिस ने जेल भेज दिया है। रवि परमार को जेल भेजे जाने को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। चार साल के बाद 3 साल हमारा हॉस्टल की फीस कॉलेज का हो गया सर। मेरे पास 1 ईयर का पैसा बचा है, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा? पेरेंट्स ने बोल दिया तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरिफिकेशन लिया मेरी, अब मैं क्या करूँगा सर? इसके बाद बताइए, ये चीज़ें मैं क्या करूँगा इसके बाद? मैं वही या तो ये सर ने 3 साल की हॉस्टल की फीस मैं पे करूँगा, कॉलेज की तो मैं रहने के लिए, अब मैं क्या करूँगा? यही चीज़ बात करने के लिए बुला रहे हैं, यही चीज़ बात करने के लिए बुला रहे हैं। यही बात, समस्या सबकी अलग अलग है, यही बात करनी है। सर आप लोगों ने अपनी बात कर ली, आपने अपनी सर्विस कर दी पूरी, हम लोग बताइए किसके पास जाएंगे सर? ये तरीका सही नहीं है। बोले सर आप तो नहीं बोले, आप एक पेपर में लिख दीजिए कि इस दिन हम करेंगे, अनुमति ले लीजिए, हम आपको प्रॉपर जगह देंगे, अनुमति देंगे, सिक्योरिटी के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ये बिना बताए किसी के। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।